हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया की टॉप 5 स्नोफॉल डेस्टिनेशन के बारे में। वैसे तो मैं बताने वाला टॉप 10, लेकिन टॉप 6 में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्या पता आपको टॉप 6 में से पसंद आ जाए, लेकिन अभी मैं आपको टॉप 5 बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोग जाके इंजॉय कर सकते हो, अपना क्रिसमस न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब हम बात करेंगे अपनी अगली स्नोफॉल डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि नंबर 5 पे रैंक करती है और जिसका नाम है तवंग, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। तवंग अरुणाचल प्रदेश में 3048 मीटर की हाइट पे एक जगह है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये स्नोफॉल के लिए बहुत ही फेमस है। तवंग में जाने के लिए बेस्ट टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो ये दिसंबर से लेकर जुलाई तक में आप लोग यहां पे जा सकते हो, जहां पे आपको एवरेज टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक का मिलेगा। अगर आप लोग यहां पे जा रहे हो तो आप लोग अपने कम से कम 4 दिन लेके यहां पे जाएं, जहां पे आप लोग यहां पे कई जगहों पे घूम सकते हो, जिसमें कि सीला पास, नारा रंग फॉल्स, माधुरी लेक और भी कई अन्य जगहें पड़ेगी, जहाँ पे आप लोग काफ़ी इंजॉय कर पाओगे। इस ट्रिप का जो खर्चा है आप लोगों को लगभग 8 से लेकर 9 हज़ार पर पर्सन का पड़ेगा, जिसमें कि आप लोग अच्छे से स्टे कर पाओगे और फुल्ली इंजॉय कर पाओगे। अब हम बात करेंगे अपनी अगली स्नोफॉल डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाली है और ये पहाड़ों की रानी के नाम से भी फेमस है, जिसका नाम है मसूरी, जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। मसूरी उत्तराखंड में 2005 मीटर की हाइट पे पड़ती है और यह है उत्तराखंड के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल और फेमस प्लेसेस में से एक है। मसूरी में जाने की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो दिसंबर से लेके मार्च तक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार यहाँ पे स्नोफॉल काफ़ी देर से होता है, तो इसी के पास आप लोग धनौल्टी में यहाँ पे जाके स्नोफॉल देख सकते हो और जहाँ पे आप लोग अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और आपको दिसंबर में यहाँ पे स्नोफॉल देखने को नहीं मिलता, तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लोग धनौल्टी में ज़रूर विज़िट करिएगा, जो कि मसूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। अगर आप लोग मसूरी को पूरा अच्छे से घूमना चाहते हो तो आप लोगों को 2 दिन का समय लेके यहाँ पे आना होगा, जहाँ पे आप लोग अच्छे से यहाँ पे घूम पाओगे और उस टाइम पे यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री से लेके -1 डिग्री तक का होता है। मसूरी में आके आप लोग बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग कई जगहों पे घूम सकते हो, जैसे कि जॉर्ज एवरेस्ट, माल रोड, धनौल्टी, कैम्प्टी फॉल्स, एडवेंचर पार्क और गन हिल। और यहाँ पे आके आप लोग कई अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, जैसे कि कैंपिंग, ट्रैकिंग और सुपरमैन राइड और भी अदर एक्टिविटीज़ आप लोग यहाँ पे आके कर सकते हो, तभी इसे उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। और मसूरी ट्रिप के चार्जेस के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आके घूमने के पर पर्सन के अकॉर्डिंग जो चार्ज पड़ता है वो 3 से 4 हज़ार रुपये का आपका चार्ज पड़ेगा, जिसमें आप लोग यहाँ पे स्टे कर पाओगे और अच्छे से घूम पाओगे। बात करेंगे अपनी अगली ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन के बारे में, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत अच्छे से होती है। इसको अंग्रेजों की समर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप में से कई लोग यहाँ पे पहचान गए होंगे कि मैं शिमला की बात कर रहा हूँ। शिमला हिमाचल प्रदेश में 2276 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और जो कि अंग्रेजों की समर कैपिटल के नाम से भी बहुत फेमस है। अगर मैं शिमला जाने की टाइमिंग की बात करूं तो आप लोग यहां पे दिसंबर से लेके फरवरी तक यहां पे जा सकते हो, जहां पे आपको एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेके -6 डिग्री सेल्सियस तक का मिलेगा। और यहाँ पे घूमने की जगह के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सी जगह है, जिसमें जाखू टेंपल, कालका शिमला रेलवे, कुफरी और शिमला के फेमस अपर और लोअर मार्केट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जिसमें कि आप लोग अच्छे से घूम सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। अगर आप लोग शिमला अच्छे से घूमना चाहते हो तो आप लोगों को 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा, जिसमें कि आप लोग शिमला को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे, जहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएंगी,
जैसे कि यहाँ पे कालका से शिमला तक की एक टॉय ट्रेन चलती है जो कि बहुत फेमस है, और यहाँ पे राफ्टिंग, कैंपिंग और ट्रैकिंग भी बहुत अच्छे से होती है। तो आइए शिमला और बहुत ही अच्छे दिन बिताइए। और अब हम बात करेंगे अपनी अगली स्नोफॉल डेस्टिनेशन के बारे में जो कि हमारी लिस्ट पे सेकंड नंबर पे है, और इसको धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं औली की बात कर रहा हूँ जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है। औली उत्तराखंड में 2909 मीटर की हाइट पे पड़ती है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और यहाँ से आप लोगों को नंदा देवी पीक भी देखने को मिल जाती है जो कि वर्ल्ड पे 23 नंबर पे रैंक करती है और इंडिया की नंबर 2 पे रैंक करने वाली सबसे हाईएस्ट पीक है। औली जाने की बेस्ट टाइमिंग के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये होती है दिसंबर से लेके मार्च तक की, जहां पे आपको एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से लेके -5 डिग्री सेल्सियस तक का मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं औली में घूमने के बारे में तो यहां पे कई जगहें हैं जहां पे आप लोग जाके विजिट कर सकते हो, जैसे कि आर्टिफिशियल लेक, चेनाब लेक, नर्सिंग टेम्पल, औली चेयर लिफ्ट, जोशीमठ रोप वे, छत्तर कुंड और त्रिशूल पीक। और अगर अब मैं बात करूं यहां पे होने वाली एक्टिविटीज़ के बारे में तो आप लोग यहां पे वर्ल्ड फेमस स्कीइंग कर सकते हो, और यहां पे हर साल उत्तराखंड गवर्नमेंट की साइड से एक स्कीइंग कंपटीशन होता है जहां पे प्रोफेशनल स्कीइंग करने वाले आते हैं और यहां पे स्कीइंग कंपटीशन में अपना हुनर दिखाते हैं। और अब मैं फाइनली यहाँ के बजट के बारे में बात करूँ तो यहाँ का बजट 4,000 से 5,000 रुपये पर पर्सन के अकॉर्डिंग आपको पड़ता है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे 2 से 3 दिन का स्टे कर पाओगे और अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और अब हम बात करेंगे रैंक 1 पे आने वाले हिल स्टेशन के बारे में जिसका नाम है मनाली, जो कि हिमाचल प्रदेश में 2060 मीटर के एल्टीट्यूड पर पड़ता है। अगर मैं मनाली जाने की टाइमिंग के बारे में आपसे बात करूं तो मनाली जाने की टाइमिंग अक्टूबर टू जैन की होती है, जहां पे आप लोगों को अच्छे से स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी, लेकिन आप लोग यहां पे रोहतांग पास को विजिट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जनवरी से लेके अप्रैल तक बंद रहता है। इसलिए आप लोगों को अगर रोहतांग पास भी विजिट करना है तो आप लोगों को दिसंबर से पहले पहले वहाँ पर जाना होगा, जहाँ पे आप लोग अच्छे से यहाँ पे रोहतांग पास को भी विजिट कर पाओगे। और यहाँ का इन दिनों जो टेम्परेचर होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से लेके -9 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। अगर मैं मनाली में विजिट करने वाली जगहों के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप लोग आराम से जाके विजिट कर सकते हो और इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे हडिम्बा टेम्पल, ओल्ड मनाली, सोलांग वैली, रोहतांग पास जो कि आप लोगों को दिसंबर से पहले विजिट करना होगा, ब्रिगु लेक, जोगी वाटरफॉल और अर्जुन गुफा आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा आप लोग नेहरू कुंड में भी विजिट कर सकते हो। ये थी टॉप 5 स्नोफॉल डेस्टिनेशन जहाँ पे आप लोग जाके पूरे मजे कर सकते हो और अच्छे से अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हो। मैंने इसमें पूरी डिटेल दी है, वैसे मैं इसकी हर एक लोकेशन की पर्टिकुलर वीडियो लेके आने वाला हूँ, आप लोग वहाँ पे भी विजिट कर लेना। लेकिन इससे पहले मैंने टॉप 6 के ऊपर भी बनाई है वीडियो, आप लोग उसको भी विजिट करना ज़रूर, क्योंकि ये उसका सेकेंड पार्ट है और यहाँ पे मैंने आपको टॉप 5 के बारे में बताया है। तो यार आपको बस इतना सा करना है अब कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें बिना कहीं मत जाइएगा, क्योंकि यार काफी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं यार, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका खुद का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।